सभ्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स नेचर। तो आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग आए हैं बैंगलोर का ही एक फिश फर्म है, नम्मा बेंगलुरु फिशरीज। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये लोकेशन है, काफी सुंदर जगह पे है, आप देख सकते हैं पूरा खुला मैदान के बीच में। तो आज हम लोगों को जो गाइड करेंगे ये प्रोग्राम के थ्रू, ये विश्वजीत को हम लोगों को मिला है। नमस्कार, मैं विश्वजीत घोषाल हूँ, नम्मा बेंगलुरु फिशरीज का फिशरीज बायोलॉजिस्ट एंड कल्चर एनालिस्ट। मैं आप लोगों का जो फिशरीज है नम्मा बेंगलुरु फिशरीज में सभ्यसाचीदा को तहे दिल से वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहले आप लोगों को थोड़ा नजारा दिखा देता हूँ। काफी अच्छा वेदर भी है आज, एकदम शाइनी, कोई बादल वगैरह है नहीं उतना। आई होप इट विल बी अ गुड वीडियो सेशन। तो ये इनका फिश फार्म का नेमिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, चलते चलते हम लोग बात करेंगे विश्वजीत से, थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे क्या है, कैसे करते हैं ये सब। तो स्टे ट्यून्ड। फीडिंग चार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोई ऑर्नामेंटल फिश फिलहाल के लिए तो कल्चर नहीं कर रहे हैं ये लोग फिलहाल। ये लोग जो कर रहे हैं एडिबल फिश फार्मिंग कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर प्रोग्राम है इन लोगों का ऑर्नामेंटल फिश की तरफ मूव करने का भी। तो ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ये दरअसल फीडिंग फिश का या एडिबल फिश जो होते हैं वो सारे फिश का एक फीडिंग चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो विश्वजीत इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मेनली हम लोग यहाँ पे तिलापिया पंगाशियस कल्चर कर रहे हैं। तो ये जो चार्ट है एक्चुअली ये हम लोगों का रूटीन चार्ट है। हम लोग थ्राइस और ट्वाइस डिपेंडिंग अपन द साइज ऑफ द फिश हम लोग एक्चुअली उन लोगों को चारा देते हैं, फीडिंग करवाते हैं। तो किस टैंक में या किस पॉन्ड में कितना देना है, बॉडी वेट के रेशियो में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि बॉडी वेट के रेशियो से जो मतलब छोटा रहता है उसका बॉडी वेट का 10% फीड देना पड़ता है, जब थोड़ा मीडियम साइज आता है बॉडी वेट का 5-4% देना पड़ता है। इससे धीरे धीरे जैसे मछली का ग्रोथ होता रहता है उसका जो बॉडी वेट टू फीड रेशियो धीरे धीरे घटाना पड़ता है। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग फार्म का जो टेक्नीशियन है उन लोग का डायरेक्शन देने के लिए प्रॉपर कि कितना चारा कितना कौन सा टैंक में डाले वो एक चार्ट बना हुआ है जी। और हम लोग हर 7 डेज में इसको फिर से रिन्यू करते रहे। ओके ओके, एवरी 7 डेज रिन्यू करते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्वेरियम फिश का भी सेम प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, कितना फीडिंग देना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फिश को कितना खाना देना है नहीं देना है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो भी लोग हैं, सारे लोग पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जो लोग नए ज्वाइन करते हैं कि उन लोगों के साथ यू नो सारे कुछ जानने के लिए, तो दैट्स व्हाई दे हैव मेड अ चार्ट फॉर इट एंड दे फॉलो इट एंड दे अपडेट इट एवरी 7 डेज। तो चलिए कुछ फिश फार्मिंग देख लेते हैं। अभी ये पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड है, टैंक है, दरअसल नियर अबाउट 1.3 लाख लीटर। 1.3 लाख लीटर। तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि बड़े टैंक का कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, चलिए देखते हैं आज। आशा करते हैं कि आप लोगों के सवालों का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। तो ये एक पॉन्ड हम लोग देखने जा रहे हैं। ये पॉन्ड में दरअसल कोई कर्प या फिर तेलापिया जो इसको कहा जाता है वो फार्मिंग कर रहे हैं ये लोग। काफी बड़ा पॉन्ड है ये, साइज वगैरह हम लोग जानेंगे विश्वजीत से। तो चलिए देख लेते हैं पॉन्ड पहले। वाओ, बहुत खूबसूरत नजारा है। ये एरेशन किया जा रहा है क्योंकि टैंक में तो हम लोग एयरपम्प वगैरह लगा के एरेशन करते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा तालाब है तो इसको एरेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन है शायद। एक्चुअली यहाँ पे जो है दोनों तरह का एरेशन है, ये पैडल व्हील एरेटर है। ओके, उसके साथ साथ नॉर्मल एरेशन भी है। जैसे तो वहाँ पे एक बड़ा सा रिंग ब्लोअर लगा हुआ है। अच्छा, उस रिंग ब्लोअर से नीचे एयर डिफ्यूजर भी दिया हुआ है, पाइप देख सकते हैं आप। ओके, बहुत सारे छोटा छोटा ब्लैक कलर का जो पाइप जा रहा है। हाँ, इससे एयरेशन भी होता है। ओके, एक्वेरियम में जैसे एयरेशन देते हैं जैसे क्या बोलते हैं स्टोन, एयर स्टोन देके ठीक उसी तरह से हम लोग डिफ्यूजर यूज करते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट दोस्तों देख सकते हैं आपके एक्वेरियम का फिश और पॉन्ड का जो फिश है कितना रिलेशन कितना सेम है, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम टाइप से केयर किया जाता है। बट एक्वेरियम में क्योंकि छोटा जगह है, पानी कम है, तो डेफिनेटली उसमें केयर थोड़ा मुश्किल होता है। पॉन्ड में थोड़ा और डिफरेंट टाइप का डिफिकल्टीज आते हैं, हम लोग जानेंगे उसके बारे में भी, विश्वजीत जरूर बताएंगे हम लोगों को। तो पहले थोड़ा फिश देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा फिश है विश्वजीत? ये रेड तिलापिया है। रेड तिलापिया आप देख सकते हैं, काफी सारे है यहाँ पे। वाटर में रिफ्लेक्शन की वजह से उतना अच्छा
शायद आप लोगों को ना दिखे बट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा है, झुंड में घूम रहे हैं। इसका एवरेज साइज क्या होता है? इसका एवरेज साइज ये 400 ग्राम से 500 ग्राम तक जाता है। 400 टू 500 ग्राम पर फिश। ओके, तो काफी बड़ा होता है डेफिनेटली। ये एक्वेरियम में तो रखना मुश्किल है। ऑर्नामेंटल फिश के तौर पे भी बहुत जगह में इसको यूज किया जाता है। ओके, ये भी आप देख सकते हैं देखने में ऑलमोस्ट लाइक कोई कार्प के जैसा दिख रहा है, जापानीज कोई कार्प जैसे दिखता है। राइट, ओके, तो ये एक्वेरियम का हॉबी में भी यूज होता है, शायद पॉन्ड में रखा जाता है या एक्वेरियम में ही है? बहुत जगह में हम साउथ में केरला में एक्वेरियम में भी देखे। ओके, एक्वेरियम में भी रखते हैं। ओके, तो ये एक नया न्यूज है मेरे लिए बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता था। और वाकई में ये फिश देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो वाटर का आप एक ग्रीनिश वाटर देख रहे हैं, ये शायद सनलाइट की वजह से है क्या? एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सेमी बायोफ्लॉक का जो फार्म देख रहे हैं वो हम लोग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड फार्म है हम लोगों का। ओके, और इस तरह का जो एक्सटेंसिव कल्चर जहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे बड़ा कल्चर होता है, वहाँ पे हम लोग सेमी बायोफ्लॉक प्रोसेस फॉलो करते हैं। और वहाँ पे हम लोग का एल्गी का जो हेल्प है वो नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट एल्गी वाटर में जो टॉक्सिक पैरामीटर जो बनता है, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब कंट्रोल करने में एल्गी भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है एल्गी का। डेफिनेटली डेफिनेटली, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन दैट। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ वाटर इज रिजेम्बलिंग ग्रीनिश। ओके ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जो पॉन्ड है, ये पॉन्ड अर्दन पॉन्ड नहीं है, ये दरअसल एक प्लास्टिक का, इसको क्या जियो मेम्ब्रेन, जियो मेम्ब्रेन। ओके, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है। ओके, तो जियो मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो ये जियो मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो सॉयल से पूरी तरह से इसको सेपरेट कर दिया गया है, और इसके अंदर पूरा नीचे का भी जो हिस्सा है उसमें ये प्लास्टिक बिछाया हुआ है, ये मेम्ब्रेन, और उसी के ऊपर ये कल्चर हो रहा है। तो अर्दन मतलब अर्दन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आप फील करते हैं? देखिए अर्दन पॉन्ड में जैसे कोई भी वाटर या फिश मिट्टी डायरेक्ट सॉयल से कनेक्टेड रहेगा, पैथोजेनिक लोड उसमें ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली एग्री। इसलिए सॉयल से अगर डिटैच कर देते हैं तो पैथोजेनिक लोड तो कम हो जाता है बहुत एंगल से। राइट, और इसका जो डेंसिटी है, कल्चर डेंसिटी में हम लोग अर्दन पॉन्ड से ज्यादा कर सकते हैं। राइट राइट, ओके, यही रीजन है कि यहाँ पे ये जियो मेम्ब्रेन पॉलीलाइनर पॉन्ड में हम लोग कल्चर करते हैं। ओके ओके, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है सारे फिश यहाँ पे। चलिए जो कुछ छोटा कल्चर भी देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा है जगह पे, मैं आप लोगों को एक व्यू देता हूँ। देखिए उधर पे जो आप देख पा रहे हैं, शायद उधर पे भी कुछ फार्मिंग है, यहाँ पे गाय भी है। एक पोल्ट्री का भी मैंने छोटा सेक्शन देखा, पता नहीं पोल्ट्री भी कर रहे हैं क्या ये लोग। और बाकी जो वहाँ पे दूर पे आप देख पा रहे हैं, इधर पे जो रिंग जैसा है वो भी शायद टैंक है, शायद फ्यूचर में बनाएंगे या कुछ प्लान है उन लोगों का। उसमें भी अभी दो तीन टैंक में कल्चर चल रहा है। ओके, उसमें भी टैंक में कल्चर चल रहा है, तो हम लोग जरूर देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट स्टे ट्यून्ड, आई एम श्योर दैट यू गाइज विल लाइक इट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ कल्चर चल रहा है, अभी हम लोग ये कल्चर को देखेंगे। और इधर पे जो विश्वजीत कह रहे थे मशीन के बारे में, इधर पे मशीन है जिससे ये एरेटर उन्होंने ऑन किया। तो अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि बायोफ्लॉक क्या है वगैरह, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कुछ ही देर में। तो चलिए थोड़ा ये पॉन्ड को देख लेते हैं। ये पॉन्ड में कितना लीटर का पानी है इसमें? इसमें लगभग अभी 12 to 15 lakh लीटर के बीच। 12 to 15 lakh, वाओ, दैट्स क्वाइट ह्यूज। ओके ओके, बट ये पेडल पंप सही में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 टैंक है कंप्लीट। कितना डायमीटर है इसका? ये 4 डायमीटर का टैंक है, एक एक टैंक का कैपेसिटी है 10,000 लीटर। 10,000 लीटर का? ओके, सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 lakh लीटर का वाटर इसमें पूरा अभी है। ओके, और कौन सा प्रोसेस में आप लोग ये कल्चर कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग मेनली बायोफ्लॉक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। बायोफ्लॉक प्रोसेस, ओके। ये जो टैंक है इसमें कुछ तिलापिया का सीड्स है, दिखा रहे हैं। तिलापिया का सीड्स है इधर पे, आप देख सकते हैं। को बंद करेंगे तो सारे झुंड में आ जाएगा। हाँ, ये उन्होंने दिखाने के लिए बस एरेशन को बंद किया। और देखिए यहाँ पे कितना सारे बेबीज है फिश फ्राइज, यहाँ पे पूरा झुंड में आ रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? 10,000 सीड्स कहते हैं ये लोग, सीड्स कहते हैं ना आप लोग? अच्छा, सीड्स कहते हैं, हम लोग फ्राइज कहते हैं एक्वेरियम हॉबी में, बट इट्स द सेम थिंग, वी आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। हम लोग भी फ्राइज ही बोलते हैं बट कॉमन लैंग्वेज में वही सीड्स बोला जाता है। ओके, तो बायोफ्लॉक प्रोसेस के बारे में आप बात कर रहे थे, व्हाट इज दिस बायोफ्लॉक प्रोसेस एंड व्हाई डू यू यूज दिस?
हाँ एक्चुअली अभी तक हम लोग जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग के बारे में जानते थे, चाहे ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग चाहे वो टेबल फिश फार्मिंग, वो एक्सटेंसिव लेवल में किया जाता है। यानी कि बड़ा सा एक तालाब या बड़ा सा एक रिजर्वायर में हम लोग नॉर्मली वाटर एक्सचेंज करते रहते हैं, वाटर पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं रेगुलर। वाटर थोड़ा खराब हो जाता है, अमोनिया इंक्रीज हो जाता है, नाइट्रेट इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग वाटर को ड्रेन करके वाटर फिल करना पड़ता है। तो वो उस तरह का जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है उसमें जगह बड़ा चाहिए होता है, बड़ा जगह में बहुत कम डेंसिटी में हम लोगों को कल्चर करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि समय के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है फिश का, और हॉबीज का भी डिमांड बढ़ रहा है। अगर एक्वेरियम ऑर्नामेंटल फिश के बारे में बात करेंगे तो अगर, और जरूरी नहीं कि सबके पास बहुत ज्यादा एक बड़ा सा लैंड रहेगा पॉन्ड या टैंक या रिजर्वायर बनाने का। तो बायफ्लॉक ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग बहुत छोटा सा देख रहे हैं, एक 10,000 लीटर टैंक यानी कि 4 डायमीटर टैंक को यूज करके हम लोग कमर्शियली फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्नामेंटल फिश हो चाहे वो टेबल फिश हो। और टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे वाटर एक्सचेंज बहुत मिनिमल होता है। हम लोग जानते हैं कि सेव वाटर, वाटर का स्कार्सिटी चल रहा है पूरा दुनिया में, तो वाटर को अगर उतना हम लोग जो वाटर ड्रेनेज करते हैं फिर नया वाटर फिलिंग करते हैं, बहुत सारे वाटर खराब हो जाता है, वाटर हो जाता है, तो उसी चीज को रोका जा सकता है बायफ्लॉक टेक्नोलॉजी से। बायफ्लॉक टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग टैंक के अंदर कुछ प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का झुंड रहता है। फ्लॉक मीन्स बैक्टीरिया का कुछ झुंड है। व्हाट यू कैन से कॉलोनी ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया कॉलोनी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया रहता है, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहता है, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये लोग क्या करता है, वाटर के अंदर फिश के एक्सक्रीटरी जो वेस्ट जो या निकलता है या जो पूप निकलता है, जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है वो पूप को डिकम्पोज कर देता है, और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल रन होता रहता है टैंक के अंदर, वो अमोनिया नाइट्रेट जैसा पॉइजनस गैसेस को टैंक के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे वाटर एक्सचेंज बहुत ही मिनिमल होता है। दैट इज द फंडा ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। सो इट्स ऑल बेसिकली बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसके लिए हम लोग को अलग कोई बायोलॉजिकल फिल्टर बाहर से लगाना नहीं पड़ता। टैंक को हम लोग एक बायो रिएक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। टैंक के अंदर जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जो वाटर पैरामीटर्स खराब हो रहा है, उसके अंदर टैंक के अंदर ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया से हम लोग सुधार रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिश को हम लोग फीड देते हैं पेलेटेड फॉर्म में या लाइव फीड देते हैं, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो झुंड है, बैक्टीरिया का जो फ्लॉक या जो कॉलोनी है, वो फिश को फीड भी प्रोवाइड करता है। वो जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया फिश का जो पूप है या वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करता है, उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन, जो कि हम लोगों के लिए, हम लोग भी इसको मतलब एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट को फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर में लाया गया है यहाँ पे, ताकि फ्लॉक्स को फिश अपना फीड के तौर पे यूज करेगा, और जो कि अपना फिश का जो FCR होता है, फीड कन्वर्शन रेशियो, यानी कि फिश का ग्रोथ होने के लिए, 1 kg फिश ग्रोथ होने के लिए कितना फीड हम लोगों को देना पड़ता है, इट्स कॉल्ड फीड कन्वर्शन रेशियो और FCR। बायफ्लॉक टेक्नोलॉजी फीड कन्वर्शन रेशियो को भी बहुत कम कर देता है, क्योंकि टैंक के अंदर वेस्ट मटेरियल को यूज करवा के हम लोग बैक्टीरिया से फीड प्रोड्यूस करवा। तो काफी यूजफुल तरीका है। और इसमें आप लोगों को मेनली किस तरह का, मतलब प्रॉब्लम किस तरह का आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर देखिए टफ है, डिफिकल्ट है या कैसा है, अगर कोई बनाना चाहे तो? एक बार इसका जो साइंटिफिक नॉलेज है वो गेन करना पड़ेगा, कि वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अपनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एयरेशन सिस्टम इसका जान है, एयरेंडर्स, ठीक है, क्योंकि फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, और जो बैक्टीरिया का जो कल्चर कर रहे हैं टैंक के अंदर, उसको भी डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पे एयरेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वाटर के अंदर जो बायोलॉजिकल साइकिल चलते रहता है उसके बारे में नॉलेज लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉलेज रहने से मतलब कोई भी कर सकता है। तो इसका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कुछ होता है या कैसे, आपको कैसे पता चला ये सारे चीज के बारे में? देखिए मैं तो खुद एक फिशरीज बायोलॉजिस्ट हूँ। तो ऑलरेडी मेरा जो पढ़ाई लिखाई इसी से हुआ है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही हूँ। और ट्रेनिंग प्रोग्राम बोले तो हम लोग टेबल फिश और एक्वेरियम में जो ऑर्नामेंटल फिश कल्चर करते हैं,
दोनों पॉइंट का कल्चर एंड ब्रीडिंग का जो ट्रेनिंग है हम लोग नम्मा बेंगलुरु फिशरीज जो कि बेंगलुरु में कुड़म कुम्बलगोडू भसन तलाली में सिचुएटेड है हम लोग अपना फार्म में भी क्यों देख रहे हैं हम लोग के पास इतना सारे फार्म है हम लोग इन हैंड ट्रेनिंग देते हैं वाओ दैट्स ऑसम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आप वहाँ पे देखे होंगे कि वहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है हम लोग वहाँ जो ट्रेनी लोग हम लोग के पास आते हैं उन लोगों को 3 डेज ट्रेनिंग भी देते हैं ओके तो ट्रेनिंग का क्या क्या प्रोसीजर है अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे हम लोग अभी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी मेनली जो एडिबल फिश का दे रहे हैं वो 3 डेज का ट्रेनिंग दे रहे हैं इसका चार्जेस है 6,000 रुपीज ओके अब इसके साथ ये नहीं ट्रेनिंग देके हम लोग भूल जाते हैं ट्रेनिंग देने के बाद जब तक वो कल्चर करेगा तो कल्चर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सारे समस्याएं हम लोग समाधान करते हैं तो फीड मैनेजमेंट से लेकर स्टार्ट करके वाटर प्रिपरेशन से लेकर स्टार्ट करके डिजीज मैनेजमेंट तक ओके ओके मतलब उसका साथ हम लोग ट्रेनिंग के बाद भी एक कंसल्टेंट के तौर पे देते हैं ओके ऑलराइट और यहाँ पे अगर जो आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए तो उन लोगों को रहने का क्या बंदोबस्त है क्योंकि ये तो बैंगलोर से थोड़ा आउटस्कर्ट में है नहीं नहीं देखिए हम लोग यहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त कर सकते हैं ठीक है और जो लोग ऐसे नॉर्मली जो ट्रेनिंग लोग आते हैं जो अप डाउन करते हैं उन लोगों का जो ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ पर ट्रेनिंग के समय ही प्रोवाइड किया जाता है okay. और जो लोग रहना चाहता है उन लोगों का सारे जिम्मेदारी हम लोग यहाँ पे कोई आ रहा है तो यहाँ पे आके रह भी सकता है उसका भी फैसिलिटी है ओके 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 दैट्स रियली नाइस अरेंजमेंट चलिए थोड़ा फिश देखते हैं इस टैंक में कौन सा फिश है ये शायद यहाँ पे तिलापिया है ओके यहाँ पे एरेशन चल रहा है और वाटर का कलर का थोड़ा हाँ वाटर का कलर में राइट ये यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल है नहीं देखना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे चलिए उधर कोई टैंक में क्लियर वाटर है तो शायद दिख सकता है ये टैंक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खाली है इसमें कोई दूसरा कुछ यहाँ पे एक्चुअली स्टॉकिंग होगा ओके स्टॉकिंग होगा न्यू प्राइस जो है स्टॉकिंग होगा यहाँ पे मेनली हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी जो रोहू फिश है जयंती रोहू वो उसका जो सीड है उसका बच्चा है अच्छा रोहू फिश करेंगे और ये एरेटर है दोस्तों इनकेस यू आर इंटरेस्टेड दिस इज द एरेटर दे आर यूजिंग दिस कॉल्ड स्पाइडर एरेटर ओके दिस इज कॉल्ड स्पाइडर एरेटर अगर आप में से कोई भी ये सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं एड्रेस दे दूंगा एड्रेस देखिएगा आपका स्क्रीन पे अभी आ रहा है तो उसको देख के आप लोग इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो सिस्टम है ये शायद वाटर चेंज करने के लिए है क्या ये वाटर आउटलेट है मतलब वही जब टैंक का वाटर छोड़ा जाता है वाटर चेंज करने के लिए टैंक के नीचे स्लज होता है हाँ हाँ तो स्लज से हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन जैसा गैस बनने का चांसेस रहता है ओके तो इसीलिए हम लोग रेगुलरली दिन में एक या दो बार एक या दो मिनट के लिए ये आउटलेट छोड़ देते हैं ओके ताकि हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह गैस नीचे जो स्लज जो ब्लैकी जो स्लज जो डिपोजिट हो रहा है वो यहाँ से निकल जाए ओके 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 डेफिनेटली अगेन एक्वेरियम के साथ देखिए कितना रिलेटेड है मैं उनसे बात करूंगा एक्वेरियम रिलेटेड का भी तो चलिए ये यहाँ पे एरेटर बंद है यहाँ पे पानी एकदम क्लीन है शायद ये नया पानी ऐड किया हुआ है प्रिपरेशन होगा अगर प्रिपरेशन हो रहा है अभी सीड डालेंगे तो वाटर प्रिपरेशन यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ओके ओके आज ही सुबह इसका पानी फिल किया गया है तो वाटर प्रिपरेशन का भी जैसे कि ब्रीफिंग में कर देता हूँ हाँ। यहाँ पे वाटर प्रिपरेशन के लिए हम लोग जागरूक में वाटर प्रिपरेशन जो करते हैं हम लोग उसका भी एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था बायोप्लग मतलब बैक्टीरिया का झुंड टैंक के अंदर बनाना पड़ेगा राइट तो बैक्टीरिया हम लोग का स्पोर फॉर्म में मिलता है बैक्टीरिया का स्पोर जो कि इनएक्टिव रहता है उसको जर्मिनेट करवाना पड़ता है ठीक है क्योंकि प्रोबायोटिक बहुत सारे कमर्शियल प्रोबायोटिक मार्केट में अवेलेबल है उससे हम लोग बैक्टीरिया मिलेगा उस बैक्टीरिया को जर्मिनेट करवाने के लिए बैक्टीरिया का स्पोर जर्मिनेट करवाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है उसको उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो देना पड़ता है जैसे कि हम लोग जागीरी देते हैं राइस ब्रैन देते हैं और ईस्ट देते हैं तो प्रोबायोटिक जागीरी राइस ब्रैन और ईस्ट ये हम लोग छोटा छोटा ड्रम्स उधर देख सकते हैं उधर थोड़ा दिखाइए उसमें क्या करते हैं हम लोग ये सारे ये चार चीज मिक्स करके 2 दिन एरेशन देके रख देते हैं उसमें क्या होता है प्रोबायोटिक तैयार हो जाता है उस प्रोबायोटिक को धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में टैंक के साथ ऐड करते रहते हैं ओके ओके तो जैसा कि हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या फिर पाउडर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एक्वेरियम में ऐड करते हैं दोस्तों काफी सिमिलरिटीज है आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए चाहे वो एडिबल टेबल फिश हो या फिर ऑर्नामेंटल फिश हो बात दरअसल एक ही है लाइव चीज को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा वाटर पैरामीटर का इधर उधर हो सकता है ज्यादा कुछ इधर उधर होता नहीं है आप देख सकते हैं काफी सारा तलापिया है क्या नहीं कॉमन कार्ड है कॉमन कार्ड ओके कॉमन कार्ड ठीक है हाँ दिख रहा है टैंक एकदम बॉटम में हाँ टैंक एकदम बॉटम में हल्का आ रहा है देखिए अभी आपको दिखेगा ये हाँ ये झुंड आ रहा है देखिए कॉमन कार्प है यूजुअली हम लोग कार्प तो एक्वेरियम में भी रखते हैं
कोई कार्प रखते हैं, कार्प हम लोग रखते हैं, इसका ही एक मतलब जेनेटिक वैरायटी है, एक वैरायटी है, राइट राइट, सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस फॉलो करके उसको अलग। यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ कुछ कॉमन कार्प जो कि ऑरेंज या व्हाइटिश कलर का आता है। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ तो है, राइट। तो इन लोगों का सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस फॉलो करके हम लोग जो एक्वेरियम में जो ऑर्नामेंटल कॉमन कार्प है वो बनाते हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मछली है, ये देखिए तेलापिया, एक बहुत बड़ा है। कॉन्सेप्ट सेम है, देखिए तेलापिया भी सिक्लिड है, एक्वेरियम में भी हम लोग आपकी सिक्लिड ही रखते हैं, राइट है। तो उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का वाटर पैरामीटर्स बिल्कुल सेम फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ये एरेटर वो रख रहे हैं, ज्यादा देर तक एरेटर निकाल के रखना शायद सेफ नहीं रहेगा। ओके, और ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा शेडिंग किया हुआ है ताकि डायरेक्ट सनलाइट इसमें ना गिरे, या फिर कीचड़ वगैरह या फिर कोई भी डस्ट वगैरह ना गिरे। डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट रेनफॉल, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है शायद, पानी का वाटर कुछ पैरामीटर को चेंज चेंज कर देगा, राइट। खास करके जो डायरेक्ट रेनफॉल होता है वो वाटर का पैरामीटर्स को दिन चेंज कर देता है, वही वही ओवरनाइट चेंज कर देता है। अगर बहुत ज्यादा बारिश होगा तो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा, बारिश होता है तो चेंज हो जाता है, राइट। इसमें वाटर पैरामीटर क्या क्या चेक करता है? अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइट तो कॉमन चीज है, वो तो चेक करना ही पड़ता है, बट उसके अलावा और कुछ चेक करते हैं? हार्डनेस, टीडीएस, पीएच, जीएच, के जी एच, जैसे कि डीएच मतलब जनरल हार्डनेस, जनरल हार्डनेस, केएच मतलब आपका कार्बोनेट हार्डनेस, जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो हार्डनेस है वो चेक करते हैं। उसके बाद क्योंकि ये ऑर्नामेंटल फिश कल्चर में जो जो पैरामीटर्स, इससे ज्यादा पैरामीटर्स हम लोग इधर मेंटेन करना पड़ता है, राइट। टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, पीएच चेक करना पड़ता है, टीडीएस चेक करना पड़ता है, यही सब। अच्छा, तो ऑर्नामेंटल फिश के साथ जो जो पैरामीटर्स हम लोग उसमें चेक करते हैं वही सारे पैरामीटर्स यहाँ पे भी चेक करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को फ्लॉक डेंसिटी भी चेक करना पड़ता है। ओके, फ्लॉक कैसे नापते हैं वो भी हमको दिखाएंगे आप। अच्छा अच्छा, उसके लिए भी एक फोन आता है। ओके, एक इंस्ट्रूमेंट आता होगा शायद जिसके जरिए फ्लॉक वगैरह नापाई जाता है। तो ऑर्नामेंटल, चलिए ठीक है, ये तो एडिबल या टेबल फिश है आप बोल रहे हैं, इसके साथ मतलब अगर मैं बोलूंगा कि ऑर्नामेंटल फिश कितना रिलेटेड है, क्योंकि आप बोल रहे हैं शायद कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों में शायद आप इसको अपग्रेड भी करेंगे, ऑर्नामेंटल फिश का कल्चर का भी आइडियाज है आपके पास, थोड़ा सा लैंड है और उसमें आप लोग इस तरह का टैंक बना के अगर ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग करवाते हैं या ऑर्नामेंटल फिश का कल्चर करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। इवन वो एडिबल फिश से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्नामेंटल फिश होगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपको बोला हूँ कि इस तरह का जो छोटा छोटा टैंक है, 4 डायमीटर टैंक, ये जो सेटअप है हम लोग पूरा ऑर्नामेंटल फिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें एडिबल फिश का जो ग्रोथ है उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है हम लोग को ऑर्नामेंटल फिश में। पहले हम लोग ऑर्नामेंटल फिश किए है, स्विम भी किए है हम लोग, सभी तरह का फिश यहाँ पे कल्चर हुआ है। तो अभी इसलिए हम लोग बड़ा बड़ा जो टैंक है या पॉन्ड्स, हम लोग नया भी और पॉन्ड्स बना रहे हैं, उसमें टेबल फिश को शिफ्ट कर देंगे। ओके, और ये सारे टैंक में ऑर्नामेंटल फिश को करेंगे। ओके, और टेक्नोलॉजी सेम है, वही सेम फंडा। यहाँ पे अगर हम जैसे कि खास करके जो कार्प प्रजाति का जो मछली होता है, गोल्ड फिश या जितना बार्ब्स होता है या जितना आपका जापानीज कोई होता है, okay. ये सारे फिश बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये लोग फ्लॉक कंज्यूमर है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसको खाता है वो, राइट, ठीक है। तो उन लोगों का जो एफसीआर है, उन लोगों का जो फीड का जो डिमांड है और घट जाएगा, और भी घट जाएगा। ओके, ठीक है, बात यही है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, शायद कान में खटकेगा ये सुनने के लिए, बट गोल्ड फिश, क्योंकि मैं कहता हूँ कि पॉन्ड फिश है। देखिए विश्वजीत भी वही कह रहे हैं कि गोल्ड फिश यूजुअली जिस तरह से हम टेबल फिश को प्रिपेयर करते हैं ऑलमोस्ट सेम वैरायटी का जाता है। कार्प आप देखे हैं यहाँ पे, बहुत सारा कार्प वगैरह है, तो उसको भी ऑलमोस्ट सेम टाइप से इसको किया जाता है मेंटेनेंस। बट व्हाट अबाउट, बोलते हैं, हाँ हाँ, वो पंगस राइट, जो सिक्लीज जो सिक्लीज का जो तमाम वैरायटी होता है सब लबिया का ही वैरायटी है। ओके, तो एंजल भी तो सिक्लिड फैमिली से ही आता है, एंजल भी सिक्लिड वैरायटी का ही आता है, ऑस्कर भी सिक्लिड वैरायटी, डिस्कस भी सिक्लिड का ही एक वैरायटी है, पैरट सब सिक्लिड वैरायटी का। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि ये सारे मछलियों को आप इस तरह से कर सकते हैं ब्रीडिंग, सबसे बेस्ट है तिलापिया के लिए। ओके, तो जितना भी तमाम जितना भी सिक्लिड्स का वैरायटीज है सब हम लोग बायोफ्लॉक में कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑसम, दैट्स वेरी नाइस। जब आप इतना बड़ा बड़ा टैंक यूज कीजिएगा उसमें जो नेचुरल जो ब्रीडिंग होता है वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा, राइट, वो भी होगा, राइट, बहुत अच्छा होगा। वाओ, दैट्स रियली समथिंग नाइस टू हियर। तो हम लोग जरूर इसे यहाँ पे दोबारा आएंगे जब ये ऑर्नामेंटल फिश का कल्चर स्टार्ट करेंगे, अभी फिलहाल तो एडिबल फिश या टेबल फिश का ही चल रहा है प्रिपरेशन। तो एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये सारे टैंक जो आप देख रहे हैं 10 के 10 टैंक पूरा ऑर्नामेंटल फिश और स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मुर्गियाँ हैं। यहाँ पे पोल्ट्री भी करते हैं क्या? नहीं, नहीं, हम लोग अपने खाने के लिए। ओ, अच्छा ओके, अंडा के लिए ये मुर्गी को रखा गया है। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ गाय वगैरह भी मैंने देखा उधर पे पीछे, आप देख सकते हैं गाय भी है इधर पे। तो एकदम नेचर से जुड़े हुए हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे। और बैंगलोर से थोड़ी ही दूर में है, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे मेरे घर से यहाँ तक आने के लिए मुझे कुछ 40 मिनट्स के आसपास लगा, तो एकदम बैंगलोर से सड़ा हुआ है जगह। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, मैं कहूंगा एक बार आके जरूर विजिट कीजिए। अगर आप लोगों को सीखने का कोई भी इंटरेस्ट है तो जरूर यहाँ पे आके सीखिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एडिबल फिश के लिए, जैसे कि विश्वजीत जी ने कहा कि ये सिर्फ एडिबल फिश के लिए ही नहीं, ये जो नॉलेज आपको गेन होगा, ये नॉलेज से आप एक्वेरियम फिश भी ब्रीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक्वेरियम फिश हॉबी को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाने के लिए, मतलब कि उससे आप अपना रोजी रोटी कमाना चाहेंगे, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल एंड दिस गाइज विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो या क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस डेंसिटी में हम लोग ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग करते हैं, उसे डेंसिटी बढ़ा के हम लोग ये टेक्नोलॉजी में ये सेम टैंक में हम लोग कर सकते हैं। ओके, मतलब इतना ये सेम साइज का टैंक में आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज करके जो डेंसिटी मेंटेन करके फार्मिंग करते हैं, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग करते हैं, उसे कई गुना ज्यादा डेंसिटी में इस तरह का टैंक में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग फार्मिंग कर सकते। वाओ, दैट्स रियली नाइस, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। ये क्या है विश्वजीत, ये जो व्हाइट कैबिनेट या टैंक है? ये एक्चुअली हम लोग टेम्पररी स्टॉकिंग के लिए। ओ, अच्छा, टेम्पररी स्टॉकिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर फिश को कोई डिसीज वगैरह होता है, मतलब होता भी है कि पूरा कंट्रोल्ड है? डिजीज बहुत कम होता है। ओके, ठीक है, फिर भी लाइफ स्टॉक के साथ हम लोग कुछ कहा नहीं जा सकता, राइट? ह्यूमन बी फॉल्स सिक, राइट? लाइफ स्टॉक के साथ गेम खेल रहे हैं। हाँ, तो कभी ना कभी, मतलब जैसे कि वेदर चेंज हो गया या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया, राइट? ठीक है, फिश के लिए फ्लक्चुएटिंग पैरामीटर्स बहुत बहुत खतरनाक होता है, राइट? ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से कभी कभी डिजीज आते रहता है, तो उसका भी क्योर मेडिकेशन आप लोग सिखाते हैं उसके बारे में? सब डिजीज मैनेजमेंट से लेके फिश मैनेजमेंट से लेके कल्चर ब्रीडिंग से लेके सब कुछ। और इसको सेल कैसे होता, मतलब इसका चैनलिंग कैसा है? आप लोगों का कुछ लोग है जो लेके जाते हैं या फिर कैसे करते हैं? लोग है, हम लोग का लेके जाते हैं। हम लोग इसका डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। हम लोग बैंगलोर में लाइट फिश सेंटर का भी प्लानिंग कर रहे हैं। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब जैसे एक्वेरियम में ऑर्नामेंटल फिश लोग लेके जाते हैं, राइट? राइट, सेम प्रोसेस में हम लोग। अच्छा, मार्केट में पूरा एकदम रेडीली अवेलेबल रहेगा लाइव फिश रहेगा? एडिबल फिश जैसे एक्वेरियम में प्लास्टिक बॉल में घर पे लेके जाते हैं ऑक्सीजन पैकिंग के साथ, ठीक उसी तरह से ऑर्नामेंटल फिश भी लेके जाएंगे। मतलब एडिबल फिश, टेबल फिश भी लेके जाएंगे। ओके ओके, चलिए इधर बारिश आ गई, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा बादल हो गया। पहले थोड़ा देर पहले भी कुछ नहीं था, बैंगलोर का यही एक खासियत है वेदर का। चलिए हम लोग शेड में आ गए हैं, देखिए देख सकते हैं हम लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। अच्छा, मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर सोच रहा था, इसीलिए मैं ओके, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें हम लोग लाइव फिश पैक करके देते हैं। ओके, अच्छा, मतलब जो लेके जाते हैं, लेके जाने के टाइम पे ऑक्सीजन फिल करके जाते हैं, वो एकदम जिंदा पी के घर लेके घर जाते। वाओ, दैट्स रियली नाइस। ये तो यमतो का ही दिख रहा है। कुछ दिन पहले मैंने ये रेगुलेटर के ऊपर भी वीडियो बनाया यमतो का, तो सेम रेगुलेटर यहाँ पे भी यूज हो रहा है, इंडस्ट्री क्लास रेगुलेटर, मैंने आप लोगों को कहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और ये शायद कुछ फिश फूड वगैरह है, फिश फूड वगैरह सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। ये क्या है? ये फिश फूड है, फीड है। अच्छा, ये फिश फूड है। हाँ, आप देख सकते हैं ड्राई फीड करते हैं ये लोग। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट वगैरह है? थोड़ा बारिश रुक जाने दीजिए, बारिश आ गया बहुत जोर से अभी, तो जिसके वजह से हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ा यहाँ पे। बारिश रुकते ही मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। बहुत बड़ा पॉन्ड है और हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे उस तरफ। पूरा मिट्टी गीला है यहाँ पे, बहुत जोर का बारिश हुआ अभी जैसे कि मैं दिखा रहा था, तो मिट्टी पूरा भीगा हुआ है, काफी स्लिपरी भी है कुछ कुछ जगह पे, नीड टू बी केयरफुल। तो ये एक पॉन्ड आप देख सकते हैं इस साइड में है,
जैसे कि विश्वजीत जी कह रहे थे कि रेन के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है और कहते कहते ही रेन हो गया इधर पे। यहाँ पे और एक पॉन्ड है उस साइड में जहां तक दिख रहा है, चार पॉन्ड है यहाँ पे। अच्छा चार पॉन्ड है इधर, ओके ये भी पॉन्ड है, ओके इस साइड में भी एक पॉन्ड है, इधर एक उधर एक इधर एक इधर चार है। एक वॉच टावर जैसा है कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ व्यू मिल जाएगा इधर से भी। ये एक पॉन्ड है आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, कौन सा मछली? इसमें भी स्टॉकिंग नहीं हुआ है। अच्छा स्टॉकिंग नहीं है, वाटर प्रिपरेशन अभी चल रहा है। ओके इसका वाटर प्रिपरेशन चल रहा है। और इस साइड में एक है, इसमें क्या है? ये चार नया बन रहा है। अच्छा ये चार नया बन रहा है अभी, स्टॉकिंग होने वाला है। अच्छा अभी तक कुछ स्टॉकिंग हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक मछली को ऑलमोस्ट लाइक सेलेबल साइज होने में कितना टाइम लगता है? डिपेंडिंग अपॉन फिश, ये आपका 6 to 7 months लग जाता है। 6 to 7 months कुछ मछली का, कुछ कुछ मछली 5 महीने में तैयार हो जाता है। ओके कुछ मछली 1 साल भी लग जाता है। ओके ओके अच्छा अभी आप बात करते करते बोल रहे थे ऑर्नामेंटल फिश के बारे में, तो उसका प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या मतलब, अभी कुछ आप लोगों का कुछ तय किया है, कुछ ड्राफ्टिंग है? ड्राफ्टिंग है, जैसे कि हम लोग जो प्रिलिमिनरी लेवल्स में जो होता है, जैसे कि गोल्ड फिश का जितना वैरायटीज है, जापानीज कोई कार्प का जो है उसका सोच रहे हैं हम लोग, और सिकलीड्स सोच रहे हैं। सिकलीड्स में मतलब नॉर्मल अफ्रीकन सिकलीड्स, एंजेल्स, ऑस्कर, ओके ये सब सोच रहे हैं, जो कि थोड़ा हार्ड वाटर, थोड़ा हार्ड वाटर, क्योंकि यहाँ का जो वाटर है नेचुरल जो वाटर है वो हार्ड वाटर हार्ड है, राइट, इसीलिए। और आरओ वाटर तो डेफिनेटली, आरओ वाटर इतने सारे बड़े फैसिलिटीज में अवेलेबल करना पॉसिबल नहीं है, फिर प्लांटिंग करना पड़ेगा, आरओ प्लांट चाहिए वही। लेकिन वो भी हम लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैचरी यहाँ पे अभी हैचरी का प्लानिंग में भी है। अच्छा अच्छा, तो अभी जो फिश वगैरह है, ये जो चारे आते हैं, ये सारे सीड्स का मतलब आप खरीदते हैं क्या? ये सब अभी तो खरीद रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं। कहाँ से आता है ये सारे? वेस्ट बंगाल से आता है। वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल और शायद बॉम्बे सबसे बड़ा फिश मार्केट है क्या, मतलब ये कल्चर लेने के लिए? वेस्ट बंगाल से ही तो आता है मैक्सिमम जो एडिबल फिश है उसका सीड्स, और आपका ऑर्नामेंटल फिश का जो मार्केट है, जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ये सब इस जगह का मार्केट बड़ा है। ओके वेस्ट बंगाल में भी हावड़ा में है फिश का बड़ा सा मार्केट, राइट राइट। और वहाँ पे आप लोग मतलब वो फिश को पूरा एकदम एग से लेके पूरा बड़ा करने तक पूरा सेटअप रहेगा, पूरा सेटअप रहेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम के बारे में सोच रहे हैं आप लोग इसके लिए, ये पूरा सेटअप होने के लिए? अभी देखिए हम लोगों का सेटअप मतलब अभी स्टार्टिंग तो अभी कर देंगे, मतलब सेटअप का कंस्ट्रक्शन वगैरह, लेकिन ब्रीडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्ली समर से, जैसे कि अर्ली समर से, फरवरी से। ओके ओके फरवरी मार्च उस टाइम से, इस साल का 2022 का, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है, अभी विंटर में तो ब्रीडिंग कम हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होगा उसमें, मॉर्टेलिटी का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये सेटअप अभी कितना दिन पुराना है अभी फिलहाल जो सेटअप में? अभी रेडी हुआ। ओके ये सेटअप अभी जस्ट रेडी हुआ विद इन लास्ट 15 डेज में। ओके ओके तो आई एम द अर्ली बर्ड मुझे लगता है इसके बाद काफी सारे लोग डेफिनेटली आएंगे आपका ये प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट बैंगलोर में इस तरह का फैसिलिटी है बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, तो डेफिनेटली लोग इंटरेस्ट लेंगे इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सीखना भी चाहेंगे इसके बारे में, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बट दोस्तों ये रेन के बाद जो नजारा है ना, एकदम बहुत बढ़िया नजारा है, आप देख सकते हैं इधर पे अभी भी बादल थोड़ा छाया हुआ है इस साइड में, धीरे धीरे करके वो जा रहा है। तो फिलहाल के लिए तो काफी सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिए विश्वजीत से, नंबर इनसे कांटेक्ट करने का मैं दे दूंगा स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएगा, और एड्रेस भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, तो अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो उस नंबर पे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं तो हूं ही, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, अगर मुझे कुछ चीजों का जानकारी नहीं है तो मैं विश्वजीत से ही पूछूंगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सी यू ऑल वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।